0.10। आई एम अज्यूमिंग सब लॉन्ग टर्म के लिए। अविनाश जी, जी हमारे एयरपोर्ट्स क्या री रेट हो रहा है ये? खैर, इनकी खरीद 80 की 85 पे चल रहा है, क्या करूं? नहीं बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है जो हम मोनोपोली बिजनेस ही समझते हैं, क्योंकि देखिए आज एयरलाइंस का जो प्ले है वो एयरपोर्ट है, और जिस प्रकार से अभी इनके एयरपोर्ट्स कंट्री वाइड है, मुझे लगता है कि देखिए कोई भी नया कॉम्पिटिटर तो ये फील्ड में आएगा नहीं। अगले 1.5-2 साल का ही टाइम फ्रेम यहाँ पे रखिए, क्योंकि देखिए अभी आप अर्निंग्स देखोगे, बैलेंस शीट देखोगे, तो वहां पे कोई आपको इतना बड़ा ट्रिगर नहीं दिखाई देगा। लेकिन बिजनेस मॉडल इनका ऐसा है कि नया खिलाड़ी कोई आ नहीं सकता, और अपॉर्चुनिटी अगले 3-5-10 साल के लिए इंडिया में बहुत बड़ी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशित रहिए, अगले 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम आपके टाइम फ्रेम पे रखना चाहिए, आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। यहाँ पे टारगेट प्राइस देना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली मल्टीपल गेन्स आपको मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। वाह, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस बीच